ये स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के एग्ज़ामिनेशन में अपियर होंगे इस बार। जैसे फाइनल ईयर के कुछ बच्चों के कैरी ओवर है या फिर कुछ बच्चे पास्ड आउट हैं, उनकी कैरी ओवर है। तो कई बच्चों का से बात हुई, उन्होंने बोला कि सर कुछ एमसीक्यू, तो क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर होने हैं सारे, तो कुछ एमसीक्यू मैंने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, इन एमसीक्यू जो है ये आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं जो बच्चे इस पेपर में अपियर होने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। क्वेश्चन वन कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखो, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में बनने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो इंटरेक्टिवली कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो ग्राफिक्स के कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इनको इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के पार्ट बोलते हैं। तो जैसे लाइट पैन हुआ, डिस्प्ले यूनिट आपका मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, ऑल आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, जल्दी इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी से आप इनको देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ आपकी, इजीली आपको ये समझ में आते चले जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आर। तो देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स या डिस्प्ले, कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइसेस। तो मेनली जो है इनकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है वेक्टर, एक होती है रास्टर। रास्टर स्कैन सिस्टम और वेक्टर स्कैन सिस्टम। ठीक है, अब वेक्टर को ही रैंडम बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही बन जाता है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, या वैक्टर स्कैन सिस्टम, रास्टर स्कैन सिस्टम। ठीक है, वेक्टर में जो होता है, जो इमेजेस होती हैं वो लाइन के फॉर्म में स्टोर होकर रखी जाती हैं। रास्टर में जो इमेजेस होती हैं वो पिक्सल्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं। वेक्टर में जो इमेज है मेमोरी में, डिस्प्ले फाइल में स्टोर होता है। रास्टर में जो इमेज है वो फ्रेम बफर में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए अगर आप इस पेपर में अचीव पार्टिसिपेट करने करना चाहते हो, और एमसीक्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चंस, ये टर्म्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, वेक्टर ग्राफिक्स इज कंपोज्ड ऑफ। तो देखो, अभी बताया मैंने वेक्टर ग्राफिक्स, जो वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब होता है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले या वेक्टर ग्राफिक्स में जो है ना, लाइन के फॉर्म में इमेज को स्टोर करके रखा जाता है। लाइन का मतलब पाथ हुआ। ठीक है, तो पाथ यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है। जो पिक्सल्स होता है वो उसमें होता है, रास्टर में। देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि जो रास्टर ग्राफिक्स है उसमें जो इमेज है कैसे स्टोर करके रखी जाती है, पिक्सल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखी जाती है। जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है या वेक्टर स्कैन डिस्प्ले होता है, उसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि किसी भी इमेज को वो लाइन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, रास्टर स्कैन की जो इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पिक्सल्स के ऊपर डायरेक्टली काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, रास्टर इमेज आर मोर कॉमनली कॉल्ड। जो रास्टर इमेज को हम क्या बोलते हैं, रास्टर इमेज को हम बिट पिक्स मैप बोलते हैं। देखो, दो तरह की इमेज होती है, एक होती है पिक्स मैप, एक होती है बिट मैप। तो पिक्स मैप और बिट मैप ही फ्रेम बफर के टाइप होते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम बफर। ठीक है, तो जो फ्रेम बफर होता है ना, ये फ्रेम बफर जो होता है ये पिक्चर को मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। आपकी पिक्चर में जितने भी पिक्सल्स होते हैं उनकी डिटेल्स, उनके कलर्स, उनके इंटेंसिटी, ये सारी सारी चीज़ें फ्रेम बफर में स्टोर होकर रखी जाती हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है पिक्स मैप, एक होता है बिट मैप। तो बिट मैप में वो चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए अगर ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की पिक्चर होती है जिसमें कलर कॉम्बिनेशन, कलर की इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको बिट मैप बोला जाता है। पिक्स मैप हम किसको बोलते हैं, पिक्स मैप हम उसको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा कलर, मतलब कि ऐसी इमेज जिसमें ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पिक्चर आती है। तो इसमें जो पिक्स मैप जो है ना, एक पिक्सल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक से ज़्यादा पिक्सल्स की, एक से ज़्यादा बिट की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, वो 2 की पावर्स में बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिक्सल के लिए 2 बिट यूज़ हो रही है, तो ठीक है, तो कलर कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, मतलब कि 4 कलर बनेंगे। ठीक है, एक पिक्सल के लिए 1 बिट यूज़ हो रही है, तो 2 की पावर 1 मीन्स केवल 2 कलर होंगे, तो 2 कलर वाला बिट मैप होता है। ऐसे मान लीजिए अगर एक एक पिक्सल के लिए जो है 5 बिट यूज़ हो रही है, तो 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 मीन्स 32 कलर जो है जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये पिक्स मैप होता है इसका आंसर। ठीक है, पिक्स मैप ध्यान रखना है, पिक्स मैप है। आगे बढ़ते हैं, देखो, पिक्सल कैन बी अरेंज्ड इन रेगुलर 2 डायमेंशनल ग्रिड। जो पिक्सल होता है ना, जो हमारा 2D प्लेन होता है, 2D प्लेन होता है, उसी में पिक्सल जो है 2 डायमेंशनल एनवायरमेंट में वो ड्रॉ होते हैं, उनको अरेंज करके रखा जाता है। तो हमारे लिए 3D डिस्प्ले होता है, 1D डिस्प्ले होता है, एक्चुअली वो 2 डायमेंशनल एनवायरमेंट में होता है। 3D में हम उसमें कंसेप्ट एल्गोरिथम्स, कंसेप्ट टेक्निक्स को लगा करके उसको 3D बनाते हैं। एक्चुअली वो जो हमारा स्क्रीन होता है वो 2D ही रहता है। 7th क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ एन इमेज डिपेंड ऑन। तो देखो, किसी इमेज की क्वांटिटी, क्वालिटी, उसकी रिजोल्यूशन वो नंबर ऑफ पिक्सल्स से होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स इमेज में कितने यूज हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8,
हायर द नंबर ऑफ पिक्सल्स आपकी पिक्चर में, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो ध्यान रखना है, तो ईजी कंसेप्ट है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स मतलब कि ज़्यादा अच्छी बेटर इमेज बनेगी हमारी। और अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स देखो आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा होते हैं तो पिक्सल का साइज छोटा होता है। अगर आपकी इमेज में पिक्सल्स का जो नंबर है वो कम है तो पिक्सल का साइज बड़ा होता है। साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पिक्सल से, लेकिन जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पैलेट एक टर्म यूज होता है। तो पैलेट बेसिकली क्या है? पैलेट कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ कलर्स फॉर, ये डिजिटल इमेजेस के लिए इसका टर्म यूज होता है। तो जो हमारी डिजिटल इमेजेस होती हैं उनके लिए जो फाइनाइट सेट ऑफ कलर्स होता है उसको पैलेट बोलते हैं। ठीक है, तो कलर से रिलेटेड होता है ये पैलेट। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्प्ले कार्ड आर। तो देखो कौन कौन से डिस्प्ले कार्ड होते हैं, जैसे VGA कार्ड होता है, EGA कार्ड होता है, CGA कार्ड होता है, EPGA कार्ड होता है, ऐसे करके बहुत सारे कार्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये डिस्प्ले कार्ड होते हैं, इनको ड्राइवर्स भी बोलते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर्स या डिस्प्ले कार्ड। तो दोनों हो जाएंगे ये EGA भी और VGA भी। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्प्ले कार्ड इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ। तो देखो डिस्प्ले कार्ड को यूज़ करने का पर्पज क्या है? तो देखो सेंडिंग ग्राफिक्स डेटा टू आउटपुट यूनिट। तो जैसे हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं डेटा रखा होगा, उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उस डेटा को ग्राफिक्स यूनिट तक भेजना, यही काम होता है किसका? डिस्प्ले कार्ड का। और ये जो काम होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा डेटा है ग्राफिक्स डेटा जो मशीन डिस्प्ले यूनिट को भेजती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजती है या डिजिटल सिग्नल में भेजती है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजा जाता है। ठीक है, जो हमारा मेमोरी से रिलेटेड काम होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो ग्राफिक्स से रिलेटेड जो कलर्स या इंटेंसिटी इन सब चीज़ों पे जो हम काम करते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो सेवरल ग्राफिक्स इमेजेस फाइल फॉर्मेट्स दैट आर यूज बाय, तो ये ग्राफिक्स के फॉर्मेट कौन कौन से? तो ये पता ही आपको सबको सारी चीज़ें, जैसे GIF होता है, JPEG होता है, TIFF होता है, बिटमैप होता है, PNG फॉर्मेट होता है, ये सारे इमेज के फॉर्मेट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। GIF, तो GIF फॉर्मेट इज मच फास्टर होता है। तो GIF फॉर्मेट सबसे फास्ट माना जाता है क्योंकि ये ग्राफिकल इंटर इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो GIF होता है ना, ये इसमें एनिमेटेड टाइप की इमेजेस को स्टोर करके रखा जाता है और इसमें जो इमेजेस को कंप्रेस करके रखा जाता है, उसका साइज कम रखा जाता है। तो जब साइज कम होगा ऑब्वियसली तो उसको डाउनलोड या अपलोड करने में भी कम टाइम लगेगा, तो ये फास्टर बनाता है। ठीक है, GIF जो होता है फास्टर होता है डाउनलोड करना और स्टोर करना, इसलिए GIF इमेजेस को प्रेफरेंस दी जाती है वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, उनको स्टोर करके रखने के लिए। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वंस ए फाइल इज सेव्ड इन JPEG, तो JPEG फॉर्मेट में अगर इमेज सेव हो जाती है तो उसमें क्या होता है? कुछ डेटा लॉस्ट हो जाता है। क्यों लॉस्ट हो जाता है? क्योंकि जो JPEG होता है ना, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक JPEG एक इमेज को स्टोर करने का फॉर्मेट होता है। बेसिकली ये कंप्रेशन टेक्निक भी होती है, इसमें कंप्रेशन टेक्निक लगती है। और देखो कंप्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है लॉसलेस और एक होता है लॉजी। मतलब कि कंप्रेस का मतलब होता है कि एक डेटा को आपने एनकोड किया, उसकी फॉर्म को चेंज किया, साइज को रिड्यूस कर दिया, तो जब हम उसको वापस से डिकोड करते हैं ना, तो ओरिजिनल साइज अगर मिल जाता तो लॉसलेस बोलते हैं, और ओरिजिनल साइज हमें नहीं मिलता तो लॉजी बोलते हैं। तो ये JPEG होता है ना, लॉजी टाइप का होता है, तो इसमें कुछ डेटा जो है परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, JPEG में ध्यान रखना ये लॉजी कंप्रेशन पे काम करता है और इसमें डेटा परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है। TIFF की फुल फॉर्म देखो, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF, ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आर यूज फॉर बिटमैप, तो ये बिटमैप के लिए यूज होती है। तो ध्यान रखना जो बिटमैप के लिए यूज होती है ना, वो इमेजेस जो है वो लॉसलेस कंप्रेशन को फॉलो करती है। मतलब कि अगर हमने इमेज को बिटमैप फॉर्मेट में स्टोर करके रखा है तो उसमें कुछ भी इमेज पिक्सल्स डेटा लॉस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? टू डायमेंशनल कलर मॉडल आर। तो देखो दो कलर मॉडल के बारे में पूछ रहा है ये। तो दो कलर मॉडल दो होते हैं, एक होता है RGB होता है और एक होता है CMYK। CMY बोलते हैं, उसके आगे K भी जोड़ देते हैं हम CMYK। तो देखो ये रहा RGB एंड CMYK। RGB जो कलर मॉडल होता है ये होता है रेड ग्रीन ब्लू, CMY होता है सियान मैजेंटा येलो और K। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो ये होता है ना RGB, ये होता है जो हमारा सॉफ्ट फॉर्म में कलर, जैसे मॉनिटर पे जो कलर दिखते हैं ना वो RGB की वजह से दिखते हैं। CMY जो होता है ये हार्ड कॉपी के लिए होता है, इसमें मतलब आप प्रिंट निकालते हो ना किसी पेज पर, उसमें जो कलर्स आपको दिखते हैं चाहे ब्लैक वाइट ये रेड येलो जो भी कलर दिखते हैं वो CMY की वजह से दिखते हैं। तो सॉफ्ट फॉर्म में RGB और हार्ड फॉर्म में CMY। 17 क्वेश्चन, RGB कलर
मॉडल यूज फॉर कंप्यूटर डिस्प्ले, अभी बताया ना मैंने, आरजीबी कंप्यूटर डिस्प्ले में यूज होता है। सीएमवाई कहाँ पर यूज होता है? प्रिंटिंग में यूज होता है, सीएमवाई प्रिंटिंग में यूज होता है। 19 क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्राइमरी आरजीबी कलर। देखो आरजीबी कलर जो होते हैं मॉनिटर पर, अगर ये एक साथ इंटरसेक्ट करें प्रॉपर तरीके से फुल इंटेंसिटी के साथ, तो व्हाइट कलर जनरेट होता है। ध्यान रखना, आरजीबी कलर जब फुल इंटेंसिटी के साथ एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो व्हाइट कलर जनरेट होता है, मतलब तीनों को मिला के व्हाइट कलर बन जाता है। सीएमवाई को अगर हम मिलाते हैं तो ब्लैक बनता है। ध्यान रखना, सीएमवाई को अगर हम एक जगह मिलाते हैं फुल इंटेंसिटी के साथ, इसको हम जैसे मान लीजिए सियान, मेजेंटा, येलो, तीनों कलर एक साथ आए और एक जगह मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक कलर बनता है। आरजीबी से क्या बनता है? व्हाइट। और सीएमवाई से क्या बनता है? ब्लैक बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कलर डेप्थ कैन बी डिफाइंड बाई विच, बाई बिट्स पर पिक्सल विच कैन बी डिस्प्ले ऑन डिस्प्ले यूनिट। तो बिट्स पर पिक्सल मतलब कि देखो कलर आपके सिस्टम में, आपके मॉनिटर में कितने कलर जनरेट हो सकते हैं, आपकी इमेज में कितने कलर जनरेट हो सकते हैं, कैसे डिपेंड कर, ये कैसे डिस्प्ले होता है, ये कैसे पता चलता है? तो ये एक पिक्सल को मेमोरी में कितनी बिट्स ले रही है, एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितनी बिट्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसमें कलर बनते हैं। अभी बताया था ना मैंने कि मान लो अगर एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए चार बिट्स यूज़ हो रही हैं, तो 2 to the power 4 मतलब कि 16 कलर जनरेट होंगे। तो कितने कलर जनरेट होंगे ये डिपेंड करता है कि भाई एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22, ईच बिट रिप्रेजेंट, तो एक बिट दो कलर स्टोर करेगी, मतलब या तो देखो एक बिट की बात कर रहे हैं तो वो बिट या तो ऑन होगी या ऑफ होगी, तो जब वो ऑन होगी तो एक कलर को रिप्रेजेंट करेगी, ऑफ होगी तो दूसरे कलर को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक बिट दो कलर को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक एक बिट दो कलर को, दो बिट चार कलर को, ठीक है, तीन बिट आठ कलर को, क्योंकि 2 की पावर में बढ़ता है कॉम्बिनेशन। सीआरटी की फुल फॉर्म पूछ लिया, तो सीआरटी बेस्ड मॉनिटर्स आते थे, तो कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म है। सीआरटी बेस्ड मॉनिटर्स में इसका यूज होता था सीआरटी का। रिफ्रेश सीआरटी का कंसेप्ट क्या था? रिफ्रेश सीआरटी का मतलब देखो, ये कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो रिफ्रेश सीआरटी का मतलब होता है जो सीआरटी में जो फास्फोर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो आकर के फास्फोर से जब कनेक्ट होती है ना, तो इल्यूमिनेशन जनरेट होता है, पिक्चर उसी से बनती है, लेकिन वो फास्फोर ना फेड हो जाता है, तो उसको बार बार से सेम पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बीम कॉन्टैक्ट करती रहती है, इसी को रिफ्रेश सीआरटी बोलते हैं। तो रिफ्रेश सीआरटी क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिफ्रेश सीआरटी क्या है? एक ग्लास रैपर है, एक द फॉस्फोर व्यूइंग सरफेस है, द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली भी इसमें होती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, रिफ्रेश सीआरटी में सब कुछ होता है ये, ठीक है, ताकि हमारी इमेज कंटिन्यूसली इमेज स्क्रीन के ऊपर मेंटेन रहती है। 25 देखते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम द फॉस्फोर प्रोड्यूस लाइट और शाइन इज कंट्रोल्ड बाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फॉस्फोर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परसिस्टेंस, इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो जो इंटेंसिटी है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है कैथोड रे जिसको बोलते हैं, वो फॉस्फोर पर जाकर के कॉन्टैक्ट करती है और उसको वहाँ पर मेंटेन रहना पड़ता है, तो बार बार हम उसको रिफ्रेश करते रहते हैं उसी जगह पर, बार बार उस बीम को भेजते रहते हैं, तो उसको वहाँ पर, इस प्रोसेस को परसिस्टेंस प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ कलर पिक्चर ट्यूब इज रिफ्रेश। देखो इसका स्टैंडर्ड है ये, ध्यान रखना 25 टाइम्स होता है, 25 टाइम्स इन ए सेकेंड टू मेक रियलिस्टिक पिक्चर, ठीक है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसका जो रिफ्रेश टाइम कितना होता है? 25। डीवीएसटी की फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीएसटी एक डिस्प्ले डिवाइस होती है, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो डिस्प्ले डिवाइस होती है ये, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। इंटरेक्टिव ग्राफिक्स इज यूजफुल इन, तो इंटरेक्टिव ग्राफिक्स तो आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, देखो कहाँ पर ट्रेनिंग पायलट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, तो उनके लिए सिमुलेशन मॉडल बनाया जाता है, वो वहाँ पर इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का यूज़ होता है। इंटरेक्टिव ग्राफिक्स पढ़ा था ना, जैसे लाइट पेन हुआ, कीबोर्ड हुआ, आपके डिस्प्ले यूनिट्स हुए, ये सारे इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के पार्ट होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल कहीं पर करना है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन जिसको स्कैड बोलते हैं, कैड कैम, सब जगह इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, रैंडम स्कैन सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर, तो बताया था मैंने रैंडम और रास्टर दो होते हैं ना, एक तो रैंडम सिस्टम होता है, एक रास्टर सिस्टम होता है, तो रैंडम सिस्टम लाइन ड्राइंग के लिए होता है, रास्टर सिस्टम जो है पिक्सल के लिए होता है, तो रैंडम वाला लाइन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30, टू बेसिक टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले विद CRTR, तो देखो CRT में कलर को जनरेट करने के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं? दो मेथड होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है बीम पेनिट्रेशन मेथड और एक होता है शेडो मास्क मेथड, ये दो कलर जनरेशन टेक्निक होती है। जो बीम पेनिट्रेशन मेथड होता है इसमें मैक्सिमम चार कलर ही डिस्प्ले किए जा सकते हैं, शेडो मास्क मेथड में एन नंबर ऑफ कलर जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बीम पेनिट्रेशन मेथड ऑफ कलर CRT, टू लेयर ऑफ फॉस्फोर, देखो बीम पेनिट्रेशन मेथड में जो है आपके मॉनिटर पर, क्योंकि सीआरटी मॉनिटर होते हैं तो सीआरटी में फॉस्फोर की लेयर होती है, तो इसमें फॉस्फोर दो तरह के होते हैं, दो लेयर होती है, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड,
तो इसमें फास्ट फोर की दो लेयर होती हैं, तो इनके नाम क्या क्या है, एक का रेड है और एक का ग्रीन, दो लेयर यूज़ होती हैं। अगर आपको रेड कलर चाहिए होता है किसी जगह पर तो रेड कलर वाला फॉस्फोर इल्यूमिनेट होता है, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कलर वाला फॉस्फोर इल्यूमिनेट होता है, और आपको दो और कलर मिलते हैं, एक टिपिकली जो है येलो मिलता है, एक ऑरेंज मिलता है, तो रेड ग्रीन ऑरेंज येलो ये चार कलर जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, बीम पेनिट्रेशन मेथड में क्या कह रहा है कि भाई कौन सी लेयर कहाँ पर होती है, तो जो आउटर वाली होती है, जो बाहर वाली होती है वो रेड होती है, जो इनर वाली होती है ग्रीन होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो आउटर वाली जो फॉस्फोर की लेयर होती है वो रेड होती है और इनर वाली ग्रीन होती है। क्वेश्चन नंबर 33, शेडो मास्क मेथड जो एक कलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो इसमें फॉस्फोर कलर डॉट्स पे कितने पिक्सल प्रपोजिशन होती है, तो इसमें तीन होते हैं। ठीक है, एक पिक्सल पोजिशन पर, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पिक्सल्स हैं, ठीक है, ये पिक्सल्स है ना, तो इस पिक्सल पर एक रेड ग्रीन और ब्लू, आरजीबी कलर मॉडल का कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है, तो आरजीबी तीन कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच टेक्निक ऑफ कलर सीआरटी इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रियलिस्टिक इमेज, तो बताया था मैंने ज़्यादा अच्छे कलर अगर आपको डिस्प्ले करने हैं तो कौन सी, सीआरटी में, अगर सीआरटी में अच्छे कलर डिस्प्ले करने हैं तो कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, शेडो मास्क मेथड, अगर कम कलर करने हैं तो बीम पेनिट्रेशन मेथड। बीम पेनिट्रेशन मेथड फास्ट होता है, शेडो मास्क मेथड स्लो होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे कलर दिखाने हैं तो शेडो मास्क मेथड यूज़ होगा। बीम पेनिट्रेशन मेथड कहाँ पर यूज़ होता है, रैंडम में होता है ना, तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो फास्ट होता है, तो उसमें अगर आपको कलर डिस्प्ले करने हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कलर डिस्प्ले करने हैं, तो ये होती है बीम पेनिट्रेशन मेथड यूज होती है, कहाँ पर, रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। शेडो मास्क मेथड कहाँ पर यूज होता है, रास्टर में, बताया था ना, रास्टर में जो होता है ना रियलिस्टिक शेडेड पिक्चर डिस्प्ले होती है, पिक्सल्स पर वहाँ पर काम होता है, तो यहाँ पर अच्छे कलर डिस्प्ले करने हैं तो शेडो मास्क मेथड कहाँ पर यूज होता है, रास्टर में। रैंडम में कौन सा यूज होता है, बीम पेनिट्रेशन। शेडो मास्क कहाँ पर यूज होता है, रास्टर में। 37, ग्राफिक्स डेटा इज कंप्यूटेड बाय प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ, बताया था मैंने पहले भी आपको कि जो ग्राफिक्स का जो डेटा है वो किस फॉर्म में प्रोसेस होता है, प्रोसेसर द्वारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा। जो हमारा मेमोरी डेटा वगैरह होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमारा ग्राफिक्स का डेटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि हम नॉर्मली ये समझते हैं कंप्यूटर का मतलब डिजिटल, लेकिन जो ग्राफिक्स डेटा है वो इलेक्ट्रिकल में होता है, ध्यान रखना। 38, द मेथड विच यूजेज एरे ऑफ डॉट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एक कैरेक्टर, देखो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ना कई मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रोक मेथड होता है, एक बिट मैप मेथड होता है, एक स्टारबस्ट मेथड होता है, तो ये क्या कह रहा है, एरे ऑफ डॉट्स, जिसमें एरे ऑफ डॉट्स होते हैं उसमें बिट मैप, उसको बिट मैप बोलते हैं, एरे ऑफ डॉट्स की जहां पर बात आए तो उसमें बिट मैप मेथड उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नॉन इम्पैक्ट यूज, तो प्रिंटर की बात आ रही है ना, देखो तो प्रिंटर में देखो कौन कौन से बताया था, सियान मैजेंटा येलो CMY कलर यूज होता है ना, पहला वाला हो जाएगा सियान मैजेंटा येलो CMY कलर मॉडल यूज होता है, किसमें, प्रिंटर में। प्रिंटर्स प्रोड्यूस आउटपुट बाय आइदर, तो देखो प्रिंटर जो है दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये पेज है, तो इस पेज पर कोई चीज आकर पेन से या किसी चीज से, डिवाइस से, आप यहाँ पर आप ऐसे ऐसे करके टिक करेंगे, तो यहाँ पर टिक करेंगे तो इसे इम्पैक्ट बोलते हैं। एक होता है कि बस दूर से रेस के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू कलर जनरेट होते हैं, तो उसको नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक, 41, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी वेयर द ग्राफिक्स, तो देखो आपकी इमेज मेमोरी में किस नाम से स्टोर होती है, तो बताया था मैंने फ्रेम बफर से स्टोर होती है। आपकी इमेज मेमोरी में किस नाम से स्टोर होती है, फ्रेम बफर उसको बोलते हैं, तो फ्रेम बफर में इमेज आपकी स्टोर होती है मेमोरी में। तो मेमोरी में अगर हम बोले कि भाई इमेज को मेमोरी में कहाँ स्टोर किया जाता है, फ्रेम बफर में। 42, द डिविजन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इंटू टू रोज एंड कॉलम्स दैट डिफाइन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो रेजोल्यूशन इज कॉल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन विदाउट ओवरलैप, तो ये रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना एक इमेज का साइज है, जैसे हम लिखते हैं भाई 800x400, ऐसे लिखते हैं ना 800x600, तो ये देखो ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज होते हैं, तो आपके आपकी इमेज में 800 कॉलम्स हैं और 600 रोज हैं, इसको रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD और LED, ठीक है, दो होते हैं, एक होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक होता है LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें देखो ये एक टर्म यूज होता है एमिसिव डिस्प्ले, नॉन एमिसिव डिस्प्ले, तो जो LCD होता है ना ये नॉन एमिसिव डिस्प्ले होता है, LED जो होता है वो एमिसिव डिस्प्ले होता है। एमिसिव डिस्प्ले का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो नॉन एमिसिव होती है उसमें जो है लाइट को किसी और सोर्स से यूज किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। अगला देखते हैं, LCD आर कॉमनली यूज इन, तो कैलकुलेटर भी, कैलकुलेटर में भी आता है ये, पोर्टेबल डिवाइसेस में भी आता है, लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी आता है, टीवी भी आते हैं ना, डिस्प्ले डिवाइसेस भी आती हैं, ऐसे करके बहुत सारी।
तो अभी देखो बताया एलसीडी किस टाइप की डिवाइस है, नॉन एमिसिव टाइप की डिस्प्ले डिवाइस है। एलसीडी नॉन एमिसिव है। नॉन एमिसिव का क्या मतलब होता है? नॉन एमिसिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। लाइट को जो है ना, लाइट को किसी सोर्स से बनाया जाता है, जैसे सन सनलाइट ले लिया या कोई और टेक्निक यूज कर ली, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। एलईडी में ऐसा होता है, एलईडी में डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एलईडी बल्ब होते हैं ना, तो वो बेसिकली एलईडी डिवाइस होती है, एलईडी बल्ब होते हैं, तो उसमें क्या है कि हम पावर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें वो कंसेप्ट यूज होता है, जो एलईडी डिवाइस होती है उसमें छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स होते हैं, उन्हीं को पिक्सल्स बोला जाता है उसमें। तो एलसीडी नॉन एमिसिव, एलईडी एमिसिव। 46 देखिए, प्लाज्मा एमिसिव होता है। तो प्लाज्मा एलईडी ये दोनों एमिसिव होते हैं, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा डिवाइस क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, अभी बताया जो जो हमारा एमिसिव डिवाइस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट करती है। तो प्लाज्मा जो है वो एमिसिव टाइप का होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट कर देता है। पिक्सल क्या है? पिक्सल में भी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट साइज ऑब्जेक्ट, स्मॉलेस्ट साइज एड्रेसेबल एलिमेंट जिसकी वैल्यू एक्स और वाई, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक स्मॉल एलिमेंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी स्क्रीन की। लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू पॉइंट्स, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत हमें? दो पॉइंट की, 50। द एल्गोरिथम यूज फॉर फिलिंग द इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन, तो देखो एक पॉलीगॉन दिया गया। पॉलीगॉन क्या होता है? एक क्लोज्ड जो है एक जो शेप होती है, जैसे ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है ना, ऐसे करके होते हैं, इनको पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन के अंदर आपको यहाँ पर कलर भरने हैं, पूरा सब जगह कलर भरना, चाहे कोई भी कलर हो। यहाँ पर मान लो पहले से ब्लैक था, हमें सबके ऊपर व्हाइट कर देना है, तो हम इसको फ्लड फिल एल्गोरिथम बोलते हैं। एक होती बाउंड्री फिल, तो बाउंड्री देखो ये वाला, तो बाउंड्री फिल जो है, बाउंड्री फिल ये कहता है कि मान लो मुझे ये क्लोज ग्राफ है, इसके अंदर मुझे कलर, यहाँ पर ये ब्लैक है, ठीक है, अब मुझे इसको सारा व्हाइट करना है, या यहाँ पर ये सारा व्हाइट है, मुझे ब्लैक करना है। तो जो पिक्सल्स ऑलरेडी उस कलर में हैं जिसमें हमें करना है, तो उनको नहीं छेड़ता वो, जो नए कलर्स हैं उनको करता है, इसको बाउंड्री फिल बोलते हैं। फ्लड फिल सबको कलर कर देता है। 51, द फंक्शन ऑफ स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम आर, तो देखो ये स्कैन लाइन एल्गोरिथम होती है, इसमें क्या होता है कि ऐसे करके देखो, हमारे उसमें स्कैन लाइंस होती हैं, और इसमें क्या कि मान लो मुझे ये ट्राइंगल डिस्प्ले करना है, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन की जो एजेस होती हैं, इन एजेस का आपकी स्कैन लाइन, ये जो इनको स्कैन लाइंस बोलते हैं, तो पॉलीगन की एजेस और स्कैन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाता है। देख लो, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ पॉलीगन एंड स्कैन लाइन। तो स्कैन लाइन से आपके ऑब्जेक्ट के बाउंड एजेस का क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, ठीक। 52 देखते हैं, इफ द पिक्सल इज ऑलरेडी फिल्ड विद डिजायर्ड कलर देन लीव्स इट, अदरवाइज इट फिल्स, तो अभी बताइए इसको बोलते हैं बाउंड्री, बाउंड्री फिल। अगर देखो सारा कलर पूरा करना है तो फ्लड फिल बोलते हैं, अगर केवल डिजायर्ड है और उसमें ऑलरेडी वो कलर हमारे ही नीड के अकॉर्डिंग है, तो हम उसको चेंज नहीं करते, तो हम इसको बाउंड्री फिल बोलते हैं। ब्रेजेनम सर्किल ड्रॉइंग एल्गोरिथम कौन से कंसेप्ट को यूज करती है? तो ये मिड पॉइंट कंसेप्ट को यूज करती है। तो उसका नाम भी है एक एल्गोरिथम का, मिड पॉइंट सर्किल ड्रॉइंग एल्गोरिथम या ब्रेजेनम सर्किल ड्रॉइंग एल्गोरिथम, ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज करता है। आगे बढ़ते हैं, द साइड इफेक्ट ऑफ स्कैन कन्वर्जन, तो देखो जब हम स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं एलियाजिंग प्रॉब्लम। तो एलियाजिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? एलियाज करना, मतलब कि जैसे मान लो ये हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो हम एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किधर जाएं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेटर इफेक्ट हमारी इमेज में आ जाता है। जैसे मान लो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ होगी आपकी, तो इसको एलियाजिंग इफेक्ट बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस जिससे एलियाजिंग को हटाया जाता है उसको एंटी एलियाजिंग बोलते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसको हम एंटी एलियाजिंग प्रोसेस बोलते हैं। 56, द प्रॉब्लम ऑफ एलियाजिंग आर, ये सारे प्रॉब्लम एलियाजिंग के हैं, स्टेयर केस, अनइक्वल ब्राइटनेस, मतलब स्टेयर केस जिसको हम लेडर इफेक्ट बोलते हैं, जिगजैग आता है, अनइक्वल ब्राइटनेस ठीक नहीं आ रही, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ठीक है, फेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फेंस के चारों तरफ जो है इधर उधर भाग रही है लाइन, तो ये सारे के सारे एलियाजिंग के इशू होते हैं। 57, द टेक्निक टू मिनिमाइजिंग एलियाजिंग आर, तो एलियाजिंग प्रॉब्लम को कम करने के कौन से तरीके हैं? एक तो है कि भाई रेजोल्यूशन बढ़ा दो, इंक्रीज द नंबर ऑफ रेजोल्यूशन या पिक्सल जो है नंबर बढ़ा दो आप, तो उससे क्या है कि एलियाजिंग कम हो जाएगी, क्योंकि पिक्सल का साइज छोटा हो जाएगा तो लेटर इफेक्ट कम दिखाई देंगे। पिक्सल इंटेंसिटी को ठीक कर लो, सुपर सैम्पलिंग टेक्निक को यूज कर लो, सारे, तो इन सारी टेक्निक को हम यूज करते हैं एलियाजिंग को कम करने के लिए। 58, लोअर परसिस्टेंस फॉस्फोर इज यूज इन, देखो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हमें ज़्यादा देर तक फॉस्फोर को मेंटेन करके नहीं रखना है स्क्रीन के ऊपर, हमें रेगुलरली इसको चेंज करते जाना है, तो इसमें एनिमेशन में ऐसा होता है। जो
एनिमेशन में क्या होता है कि पिक्चर बार बार चेंज होती रहती है, तो उसमें हमें लोअर परसिस्टेंस चाहिए, हमें फॉस्फोर को ज़्यादातर तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो हाई परसिस्टेंस होता है उसमें क्या है कि स्टिल्ड पिक्चर होती है, जैसे मान लो पिक्चर आपने खोल ली, आपने बहुत देर तक उसी को देख रहे हो, तो हम उसको फॉस्फोर को बार बार जो है रिफ्रेश करते रहते हैं इल्यूमिनेट करने के लिए, तो उसमें हाई परसिस्टेंस होता है। तो लोअर परसिस्टेंस फॉस्फोर के लिए क्या यूज़ होता है टर्म, एनिमेशन। हाई परसिस्टेंस फॉस्फोर के लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, स्टिल्ड पिक्चर 59। लोअर परसिस्टेंट फॉस्फोर नीड्स हायर रिफ्रेश रेट। भाई देखो लोअर परसिस्टेंस है मतलब कि एनिमेशन के लिए बार बार मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, तो हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के, आई होप कि आपको जो ना कुछ हेल्प करेंगे, ऐसे बच्चे जो कैरियर पेपर देना चाहते हैं एमसीक्यू का दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक थ्योरेटिकल पेपर को सॉल्व करना एक अलग बात है, लेकिन एमसीक्यू पे क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं, सिमिलर लगते हैं, तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अगर एमसीक्यू उसको देखोगे तो ज़रूर आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।